मॉर्निंग किड्स टुडे वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट चैप्टर इन ईवीएस ओपन योर बुक एंड कम टू द पेज पेज नंबर 181 चैप्टर 6 वाटर अराउंड अस जल हमारे चारों ओर वार्म अप क्वेश्चन इज गिवन लुक एट दीस पिक्चर्स इन पिक्चर्स को देखिए व्हाट इज कॉमन अमंग देम क्या कॉमन है इन सभी चीज़ों में सभी पिक्चर्स में यहां पर देखिए दिस इज अ वाटरफॉल यहाँ पर दिस बॉय इज वॉशिंग हिज हैंड्स दिस इज ड्रिंकिंग वॉटर इन अ ग्लास फिलिंग एंड दिस इज द बाथिंग ऑफ अ बॉय सो आंसर इज वॉटर वॉटर इज कॉमन अमंग दिज पिक्चर ओके दिज ऑल पिक्चर्स हैव द कॉमन थिंग वॉटर टर्न द पेज कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन हंड्रेड एंड एटी टू वी नीड वॉटर टू लिव हम सभी को आवश्यकता है जल की जीवित रहने के लिए वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट वाटर इज एज इम्पॉर्टेंट टू अस एज एयर पानी या जल हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितनी की हवा जीवित रहने के लिए क्वालिटीज़ ऑफ वाटर जल के गुण दीज आर सम क्वालिटीज़ ऑफ वाटर दीज आर क्वालिटीज़ ये हमारे जल की विशेषताएँ हैं वाटर हैज़ नो कलर जल को कोई रंग नहीं होता इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप इसको कोई निश्चित आकार नहीं होता है इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इट इज पोर्ड इन टू ये उसी बर्तन का शेप ले लेता है जिसमें इसे डाला जाता है जिस भी बर्तन में हम डालेंगे उसी शेप का ये हमें लगने लगेगा जैसे हम ग्लास में वाटर फिल करेंगे तो ग्लास के शेप का लगेगा एक बकेट में फिल करेंगे तो बकेट के शेप का लगेगा ऐसे ही होता है वाटर इज टेस्टलेस वाटर में जल में कोई स्वाद नहीं होता जल स्वादहीन होता है इट डज हैव अ स्मेल और ऑर्डर जल में कोई गंध या खुशबू नहीं पाई जाती है बिना गंद के जल होता है जल गंद रहित होता है ओके सोर्सेस ऑफ वाटर जल के स्रोत रेन बारिश वर्षा रेन गिवस वाटर जल हमें कहाँ से मिलता है वर्षा से हमें जल प्राप्त होता है वेन रेन्स द वाटर इज कलेक्टेड इन द वाटर बॉडीज सच एज लेक्स रिवर्स सीज एंड ओशंस वेन इट रेन्स जब बारिश होती है तो वाटर जो जल है कलेक्ट होता है इकट्ठा हो जाता है वाटर बॉडीज जल के स्रोतों में जैसे कि लेक्स झीलें रिवर्स नदियाँ सीज जैसे कि समुद्र एंड ओशंस महासागरों में जल इकट्ठा हो जाता है रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इन टू द ग्राउंड एंड इट इज स्टोर देयर जो बारिश का पानी है वो जो जमीन हमारी जो भूमि है उसमें सीप्स यानी कि रिश्ता हुआ अंदर पहुंच जाता है धीरे 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 वो अंदर समा जाता है और वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है जब बारिश होती है तो जब बारिश भूमि पर जब बारिश गिरती है वो जल नीचे जमीन में धीरे धीरे जाकर के इकट्ठा हो जाता है ओशंस एंड सीज महासागर और समुद्र द ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड जो महासागर होते हैं वे सबसे बड़े वाटर बॉडीज जल की सबसे बड़ी जो है वाटर बॉडीज कहलाते हैं ओशंस महासागर सबसे बड़े पानी के स्त्रोत हैं साधन हैं सीज आर स्मॉलर देन ओशंस जो समुद्र होते हैं वो ओशंस से छोटे होते हैं दिस इज ओशन एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिवर रिवर्स द स्नो इन द माउंटेन्स मेल्स टू फॉर्म रिवर्स जो हमारा जो, आ, स्नो जो बर्फ जो है पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू होती है तो वो नदियों में पानी बन करके नदी में पानी इकट्ठा होने लगता है जब बर्फ पिघलने लगती है पहाड़ों पर मेल्ट होकर तो वो नदियों में पानी आ जा पान, बन के पानी वो बर्फ आ जाती है स्मॉल रिवर्स समटाइम्स ज्वाइन बिगर रिवर्स जो छोटी नदियाँ होती हैं कभी कभी जाकर बड़ी नदियों में मिल जाती है दे दैन फ्लोज इंटू द सीज वे फिर मिलकर के कहाँ बहती है कहाँ जाकर मिल बहती है समुद्र में जाकर वो बहने लगती है मिल जाती है समुद्र में जाकर लेक्स एंड पोंड्स झीलें और तालाब लेक्स एंड पॉन्ट्स आर स्मॉलर वाटर बॉडीज जो लेक्स झील और जो तालाब हैं वो छोटे वाटर बॉडीज हैं छोटे हैं कुछ छोटी होती हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ये भी महत्वपूर्ण हमारे लिए स्त्रोत होता है पानी का वेल्स वाटर ऑल्सो गेट्स कलेक्टेड इन वेल्स जो पानी है वो कुओं में भी कलेक्ट इकट्ठा हो जाता है वेल्स आर डक टू ड्रा आउट द वॉटर दैट इज फाउंड अंडर ग्राउंड जब हम कुओं को खुदाई करते हैं कुओं की तब हमें पानी जल में जो जल है हमें ज़मीन में मिलता है प्राप्त होता है ये कुआ है दिस इज ऑफ वेल वाटर इज़ क्लीन एंड sent टू our होम्स थ्रू अंडरग्राउंड pipes. पानी को साफ किया जाता है फिर पाइपलाइंस के थ्रू हम अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर जो पाइप्स होते हैं उसके थ्रू हमारे घरों में पानी आता है दीज पाइप्स आर कनेक्टेड टू द टैप्स एंड पम्प्स विच ब्रिंग द water टू us. ये जो पाइप्स होते हैं वे नलों से और पम्प से कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारे घर तक पानी लाते हैं We use this water for our daily necessities. हम इस पानी को इस जल को रोज़ाना की आवश्यकताओं के लिए काम में लेते हैं देख सकते हैं आप नाउ नो अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का सितर प्रतिशत जो भाग है वो जल से कवर है बाकी का जमीन है भूमि कितनी है थर्टी परसेंट और सेवेंटी परसेंट जल है ये आप देख सकते हैं मनुष्य का जो बॉडी का जो पार्ट है वो भी कितना आपको लेवल वाटर लेवल दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर भी है यूजेज ऑफ वाटर जल के उपयोग ऑल लिविंग बींग्स नीड वॉटर टू लिव सभी लिविंग बींग्स जीवित प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है वॉटर इज यूज फॉर सेवरल पर्पजेज पानी हमें कई सारे कामों में उपयोग में लेना पड़ता है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी जो जल है हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शन यानी कि सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है एंड अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर जो सितर प्रतिशत जो भाग हमारे शरीर का होता है वो जल से बना होता है हमारा शरीर का जो सितर प्रतिशत सेवेंटी परसेंट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड विद वाटर इज अप विथ वाटर अब आपको जल का उपयोग समझ में आया होगा जल का महत्वपूर्ण होना आपको समझ आया होगा दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर ये नीचे दर्शाए गए जो चित्र है इसमें हमें और ये जो बातें हैं इसमें हमें उपयोग के बारे में पानी के बताया गया है वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज सचस ड्रिंकिंग बाथिंग कुकिंग वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज हमें पानी की आवश्यकता किन किन कामों में होती है पीने के लिए नहाने के लिए खाना बनाने के लिए कपड़े धोने के लिए और बर्तनों को साफ धोने के लिए दिस इज़ वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स अ वुमेन इज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड हीयर अ वुमेन इज कुकिंग फोड विद हेल्प ऑफ वाटर ओके टर्न द पेज एंड कम टू द पेज पेज नंबर वन हंड्रेड एंड एट्टी फोर वी यूज़ वाटर टू मॉप द फ्लोर हम पोछा जो यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए उसमें भी पानी को उपयोग में लेते हैं वी वॉटर द प्लांट्स हम पानी पौधों को भी देते हैं शीप्स एंड बोर्ड्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ जो नावे जो हैं वो साधन होते हैं पानी में यातायात के दे कैरी पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं दिस इज अ शिप सेविंग वाटर पानी को कैसे बचाया जाए वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग दीज वेज हम पानी को इन फॉलोइंग जो निम्नलिखित नी, जो बातें हैं इनके जरिए इनके थ्रू हम बचा सकते हैं पानी बचाना हमारी हमारे लिए आवश्यक है टर्न ऑफ ऑल द टैब्स आफ्टर यूज जितना भी जितने भी नल घर में है उपयोग के बाद उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए Do not keep the taps on while brushing your teeth. आप जब दांतों को साफ करते हैं तब नल को चालू न छोड़ें ब्रश करते समय नल का आप जो पानी व्यर्थ गवाना अच्छी बात नहीं होती है नल बंद करके ही आपको ब्रशिंग करना चाहिए डो नॉट लेट द वॉटर फ्लो आफ्टर बकेट हेजविन फिल्ड जब पानी की बाल्टी भर जाती है तब आपको पानी का नल जो है नल को तुरंत बंद कर देना चाहिए उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वो व्यर्थ बहने से बच सके ऑलवेज स्टोर वाटर सो देट वी मे यूज़ इट लेटेड हमेशा पानी को इकट्ठा करके हमें रखना चाहिए ताकि हम उसे बाद के काम में ले सकें यूज ऑनली एज मच वाटर एज यू नीड उतना ही पानी इस्तेमाल में लीजिए जितना आपको ज़रूरत है जरूरत से ज़्यादा पानी को व्यर्थ ना बहाएं ऑलवेज रिम्बर दैट वाटर इज स्पीशियस एंड लाइफ ऑन द प्लानट विल बी इम्पॉसिबल विदाउट इट हमेशा ये याद रखिए कि पानी जो है बड़ा ही कीमती हमारे लिए होता है और हमारी लाइफ जो हमारे इस ग्रह पर जो हमारी जिंदगी है हमारा जीवन है वो इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन है बिना पानी के इसलिए हमारे लिए पानी आवश्यक है हमें इस तरीके से नल को चालू नहीं छोड़ना है नाउ चेक पॉइंट चूज द करेक्ट ऑप्शन द डैश ओशन और सीज़ आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हमने देखा है कौन सी सबसे बड़ी वाटर बॉडीज इसमें हमें हमने पढ़ी थी हमने पढ़ी थी ओशंस सो वी विल टेक ओशंस वाटर हेल्प्स अस टू डैश द फ्लोर वर्ष को पहा लग पहुँचने में हमें पानी की आवश्यकता होती है सो मॉप विल बी द करेक्ट आंसर डैश आर डक टू ड्रॉ आउट द वॉटर दैट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड वेल्स कुओं कुओं में से हम जो है पानी को जैसे जमीन हम ग्राउंड जब जमीन भूमि खोदते हैं तब हमें कुएं जो है कुओं में से हम पानी प्राप्त करते हैं पिक्चर स्टडी वॉट डू यू सी इन द पिक्चर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं अ वमेन इज पम्पिंग वाटर फ्रॉम अ हैंडपम्प एक स्त्री जो है पानी को पम्पिंग यानी कि पानी खींच रही है हैडपम्प से भूमि से वो पानी खींच रही है और अपना बकेट फिल कर रही है जो यू फाइन दैम इन योर नेबरह क्या आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा हैंडपम्प है यस yes, मेरे पड़ोस में है मैंने लिखा है यस ओके थैंक यू